खरगोन और भगवानपुरा विधानसभा क्षेत्र में बीती रात हवा आंधी के साथ हुई जोरदार बारिश से गेहूं और चने की फसल को भारी नुकसान पहुंचा है। कई गांवों में खेतों में खड़ी गेहूं की फसल आड़ी हो गई और खेतों में काट कर रखी गई चने की फसल भी बिक गई है। बीती रात खरगोन और भगवानपुरा क्षेत्र के कई गाँवों में तेज हवा आंधी के साथ बेमौसम बारिश ने एक बार फिर किसानों के सामने मुसीबत खड़ी कर दी है। किसानों की खड़ी फसल जमीन पर ही आड़ी हो गई। वहीं बारिश के चलते किसानों की गेहूं की कटी हुई फसल को भी नुकसान हुआ है। पीड़ित किसान अब सरकार से मुआवजे की मांग कर रहे हैं। मावठे की बारिश ने किसानों की बनी बनाई मेहनत पर पानी फेर दिया। खरगोन और भगवानपुरा विधानसभा क्षेत्र में सैकड़ों एकड़ में खेत में लगी हुई गेहूं चने की फसलें प्रभावित हुई है। सरकार को किसानों को 1000 का बोनस देना चाहिए और फसल के नुकसान का सर्वे कराकर राहत राशि शीघ्र देना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट खरगोन। बहुत गेहूं की फसल और चने की फसल को नुकसानी हुई है। एक तरफ सरकार ने मूल्य को घटा दिया है और दूसरी तरफ ये मौसम की मार से किसानों की कमर टूट गई है। हम सरकार से मांग करते हैं कि 1000 रुपए बोनस दिया जाए और जो बेमौसम बारिश से फसलों को नुकसान हुआ है उसका सर्वे कराया जाए और राहत राशि दी जाए। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।